नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका आज 21वां दिन है और ये यात्रा केरला के पांडिकड़ से निलंबरपुर तक जा रही है और इसमें राहुल गांधी भी साथ साथ चलते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है, और आपको क्या लगता है कि क्या ये जो भारत जोड़ो यात्रा है क्या एक अच्छा इनिशिएटिव होगा कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी की ग्रोथ के लिए? क्योंकि बीते कुछ सालों में कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा शांत रही थी और केवल एलिगेशन लगा रही थी बीजेपी या फिर स्पेशली पीएम नरेंद्र मोदी पर। तो आइए देखते हैं क्या है ये भारत जोड़ो यात्रा और क्या कहना है बीजेपी और स्पेशली इसके महान दिग्गजों का राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा पर। तो आइए जानते हैं कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। क्या वास्तव में उनको कामयाबी मिलेगी? राहुल गांधी भारत को जोड़ने की कोशिश, ये परिवार का पार्टी पर नियंत्रण बना रहे उसके लिए यात्रा। तो कांग्रेस की 3,570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक तय की जाएगी और इसके पीछे कांग्रेस का मोटिव या मकसद भारत को एकजुट करना और देश में अमीर और गरीब के बीच फासले को मिटाना है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को ट्रोल करते हुए और भारत जोड़ो यात्रा के मोटिव को लेकर ये कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक परिवार बचाओ यात्रा है, जो कि आप खुद सुन लीजिए। मित्रों, ये परिवार को बचाने की यात्रा है, ये परिवार का पार्टी पर नियंत्रण बना रहे उसके लिए यात्रा है। तो ऐसा कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद जी का। फिर इसके बाद एक दिन और उन्हें ट्रोल किया गया अमित शाह के द्वारा कि राहुल गांधी 41,000 रुपए की एक फॉरेन टी शर्ट पहनकर यात्रा पर निकले हैं। राहुल बाबा भारत छोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत छोड़ने निकले। तो इस पर कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने कुछ ऐसा जवाब दिया। अमित शाह जी वेयरिंग अ बर्बरी स्कार्फ, वेयरिंग फॉरेन ग्लासेस, हैविंग अ फॉरेन पेन इन हिज पॉकेट, वेयरिंग अ फॉरेन वॉच। तो ये कुछ बयान थे कांग्रेस लीडर शशि थरूर के। फिर इसके बाद राहुल गांधी की जब इस लड़की के साथ ये फोटो वायरल हुई तो बीजेपी लीडर प्रीति गांधी ने ये कहा कि ये जो लड़की है इसने ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। लेकिन फिर जब प्रीति गांधी का बयान गलत निकला तो कांग्रेस लीडर्स ने इस पर जमकर पलटवार किया और कहा कि ये जो लड़की है ये केरल स्टूडेंट यूनियन की मीवा एंड्रेलियो है। तो इधर फिर एक बार बीजेपी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर इसके बाद असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ ये कहा। भारत जोड़ो अभी भारत का टेरिटरी में करके कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए, बांग्लादेश का जोड़ने का कोशिश कीजिए और अखंड भारत के लिए प्रशंसा कीजिए। तो ऐसा कुछ कहना था असम के सीएम का, जिसके लिए भी उन्हें काफी ट्रोल किया गया कांग्रेस लीडर्स के द्वारा। लेकिन फिर इसके विपरीत भारत जोड़ो यात्रा की काफी तारीफ भी की गई। हॉलीवुड एक्टर जॉन कुसेग ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पक्ष में एक ट्वीट भी किया। रामदेव बाबा भी भारत जोड़ो यात्रा के पक्ष में दिख रहे हैं और टीवी न्यूज एंकर रजत शर्मा ने भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में ये कहा है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बयानबाजी तो होगी, तंज भी कसे जाएंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए ऐसी यात्रा निकालना एक अच्छा कदम है। राहुल को देश को करीब से जानने का अवसर मिलेगा, अपनी पार्टी को मजबूत करने का मौका मिलेगा। लोकतंत्र के लिए एक स्ट्रांग ऑपोजिशन बहुत जरूरी है, इसीलिए राहुल गांधी को भारत जोड़ो के साथ साथ अपनी पार्टी को जोड़े रखने के लिए भी कोशिश करनी होगी। तो अब आपके क्या विचार हैं राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में? डू लेट मी इन द कमेंट्स बिलो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।